महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मंदिर के तीन पुजारियों ने 30 साल के महिला के साथ पहले रेप किया, फिर महिला को मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला घरेलू झगड़े के चलते घर से भाग के मुमरा के डाई घर के पास मंदिर में सहारा लेने पहुंची थी, मगर मंदिर के तीनों पुजारियों ने पहले महिला को खाना दिया, फिर नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने तीनों पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ठाणे से सटे मुमरा इलाके के शील डायघर पुलिस स्टेशन के हद में गणपति मंदिर के पहाड़ पर एक महिला मृत और अर्धनग्न अवस्था में पाई गई है। पुलिस ने मंदिर परिसर में सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसमें पाया कि मृत महिला अक्षता कुणाल महात्रे, जो नवी मुंबई के बेलापुर के गांव में रहती थी, उसका परिवार के साथ झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े से नाराज होकर मुमरा के शील डायघर परिसर में स्थित गणपति मंदिर में गई थी और वहां पर मंदिर के तीन पुजारी ने महिला को पहले सुबह का खाना दिया और फिर रात के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दे दिया, जिससे महिला को होश नहीं था और तीनों पुजारियों ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया और महिला का गला दबाकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। डीसीपी सुभाष भोरसे ने बताया कि गणपति मंदिर के तीनों पुजारियों ने पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसका गला दबाकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। डीसीपी सुभाष भोरसे ने आगे बताया कि महिला जिस गणपति मंदिर के पहाड़ परिसर में मृत और अर्धनग्न अवस्था में पाई गई, हमारा शक था कि मंदिर के तीन पुजारियों ने यह हत्या की होगी और हमने जब उनसे पूछताछ की तो तीनों पुजारियों ने बताया कि हमने ही महिला को पहले खाने में नशीला पदार्थ दिया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद उसका गला दबाकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डीसीपी सुभाष भोरसे ने आगे बताया कि अगर महिलाओं का आपसी पारिवारिक विवाद होता है तो उससे पहले घर में ही सुलझाने की कोशिश करें, ना कि ऐसी किसी और अनजान जगह पर जाएं जहां इस तरह से जान का खतरा हो। हालांकि पुलिस ने तीनों पुजारियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम श्याम सुंदर प्यार चंद शर्मा, उम्र 62 वर्ष, जो कोटा राजस्थान का रहने वाला है। दूसरा आरोपी संतोष कुमार रामयज्ञ मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं तीसरा राजकुमार रामफेट पांडे, 54 वर्ष, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी सुभाष भोरसे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में आई कि गोल गणपति है, वहाँ पे जो बड़ा खड्डा है 30-35 फुट नीचे, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उधर जाने के बाद देखा तो एक अर्धनग्न अवस्था में महिला पड़ी थी, वहाँ पे दिखाई दी। वो हमारे लिए अननोन बॉडी थी, तो पहला हमारा टास्क था कि उसकी पहचान करवाए। तो उस हिसाब से हमने उस एंगल से तहकीकात करने के बाद पता चला कि NRI पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग दाखिल है और उसका नाम अक्षदा मात्रे है। उसके रिलेटिव ने उसको पहचान लिया। पहचान होने के बाद वो जो मर्डर हुआ है उसका तहकीकात की गई, उसमें टेक्निकल एनालिसिस और गोपनीय जो हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं उनकी मदद से जो मंदिर में सेवा करने वाले लोग थे उन पर हमारा डाउट आ गया। तो उनको इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने बोले की कबूल किया, उसको गला घोटे और पत्थर मार के उसका उन्होंने मर्डर किया। वहीं पे उन्होंने मंदिर के बाजू में एक खोली थी, वहाँ पे दिन भर उसको रखा था और 24 घंटे के बाद वो रात को 4-5 बजे सुबह सुबह उसको लेके गए और जो स्पॉट दिखाया था इन्फॉर्मर ने हमारे, वहाँ पे उसको रखा। सर, महिला किस वजह से उस मंदिर के बाद गई, क्या वजह? अभी तहकीकात में ऐसा पता चल रहा है कि घर में कोई झगड़े थे और उसका प्रॉब्लम चल रहे थे, तो घर में झगड़ा करके वो घर से निकल नहीं आए, निकल के यहाँ पे आए। चलिए, आरोपी गिरफ्तार करना है, कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे और क्या उस मंदिर में करते हैं? यहाँ इस मंदिर में बाल विकास महाराज जो सेवा करते हैं उनको गाँव जाना था दूसरे मंदिर में, तो उन्होंने मंदिर की देख रेख के लिए इनको बुलाया। वो 5 तारीख से यहाँ पे है। देख रेख और पूजा पूजा
मिश्रा और पांडे जो है वो देख रहे थे और वो पूजा कर रहे सर। यूपी में भी ये रहते थे आप स्थानीय वहाँ के प्रतापगढ़ के द्वारों, तो यूपी में भी कोई मंदिर में ये लोगों ने काम किया? हाँ, मंदिर में वो घूमते रहते हैं, तीन चार मंदिर है उनके और वहाँ पे उनसे बात करते हैं। सर आपके माध्यम से उन महिलाओं को क्या हुआ देगा जो ऐसे छोटी मोटी झगड़ों के वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगा? हम पुलिस की तरफ से आह्वान करेंगे ऐसे कुछ मसले हो तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सलाह करें, और उधर से भी कुछ नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन आके अगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस दोनों पार्टी को बुला के कुछ तो उसमें सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें। सर तीनों आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहे? ये तीनों जो आरोपी है एक राजस्थान से है जो शर्मा है, और मिश्रा और पांडे है वो यूपी से है। उनका कोई गुनेगारी पार्टी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उस एंगल से हमारे तहकीकात चल रही है। कस्टडी कितनी? 16 तारीख तक उनको कस्टडी दी गई।